वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के लेक्चर में हम बात करेंगे क्लास टेंथ का चैप्टर फर्स्ट, दैट इज लाइफ प्रोसेस। इसके पहले वाले लेक्चर में हमने इसके हार्ट के बारे में डिस्कस कर चुका, हार्ट के बारे में डिस्कस किया, हार्ट के फंक्शन के बारे में डिस्कस किया, डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में डिस्कस किया है। आज के लेक्चर में हम बात करेंगे रेस्पिरेशन के बारे में कि रेस्पिरेशन कितने टाइप्स के होते हैं, और जो है उसके बेस्ड पे, रेस्पिरेशन के बेस्ड पे हम कुछ एमसीक्यूज भी सॉल्व करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं रेस्पिरेशन क्या होता है। द प्रोसेस ऑफ रिलीजिंग एनर्जी फ्रॉम फूड इज कॉल्ड रेस्पिरेशन। प्रोसेस मतलब फूड से जो एनर्जी रिलीज होता है उसी को क्या बोलते हैं, उसी को बोलते हैं रेस्पिरेशन। जैसे फूड के साथ ऑक्सीजन मिक्स हुआ, क्या रिलीज हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी रिलीज हुआ, उस प्रोसेस को हमने क्या बोला, रेस्पिरेशन। द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन विच रिलीज एनर्जी टेक प्लेस इनसाइड द सेल ऑफ द बॉडी। रेस्पिरेशन का प्रोसेस जो है उसमें क्या होता है, एनर्जी रिलीज होता है, और ये प्रोसेस हो किसके अंदर रहा है, सेल ऑफ द बॉडी के अंदर। इसीलिए इसे सेलुलर रेस्पिरेशन भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्यों, क्योंकि ये बॉडी के सेल्स में होता है, इसी वजह से जो है इसे सेलुलर रेस्पिरेशन भी बोल सकते हैं। देयर आर टू बाई प्रोडक्ट, दो बाई प्रोडक्ट होते हैं सेलुलर रेस्पिरेशन हम बोले या कॉमनली हम रेस्पिरेशन बोले। क्या क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है, दूसरा क्या होता है, वाटर होता है। रेस्पिरेशन दो टाइप्स के होते हैं, पहला होता है एरोबिक रेस्पिरेशन, दूसरा होता है एनएरोबिक रेस्पिरेशन। पहले ऐसे शॉर्ट फॉर्म में हम बता देते हैं, एरोबिक रेस्पिरेशन जो होता है वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है, मीन्स प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। ऐसा रेस्पिरेशन जो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है उसे कहते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन। देन नेक्स्ट इज ऐसा रेस्पिरेशन जो ऑक्सीजन की एब्सेंस में होता है उसे हम क्या बोलते हैं, एन एरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन क्या होता है, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, जो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है, और एन एरोबिक रेस्पिरेशन जो ऑक्सीजन की एब्सेंट में होता है। अब हम डिटेल में स्टडी करते हैं एरोबिक और एन एरोबिक रेस्पिरेशन क्या होता है। सबसे पहले बात करते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन की। द रेस्पिरेशन विच यूज ऑक्सीजन आर कॉल्ड एरोबिक रेस्पिरेशन। ऐसा रेस्पिरेशन जो कि ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होता है उसे क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन में एक्चुअली होता क्या है, ग्लूकोज का एक मॉलिक्यूल, ग्लूकोज का कितना मॉलिक्यूल है, एक मॉलिक्यूल, वो ब्रेक डाउन होता है और किसका फॉर्मेशन करता है, पाइरूवेट या हम बोले पाइरूविक एसिड का। दो पाइरूविक एसिड के मॉलिक्यूल बनते हैं। जब ये ग्लूकोज का ब्रेक डाउन होता है और पाइरूविक एसिड का फॉर्मेशन होता है उस प्रोसेस को बोलते हैं ग्लाइकोलिसिस। ग्लाइको का मतलब होता है ग्लूकोज और लिसिस का मतलब होता है ब्रेक डाउन। मीन्स क्या हो रहा है, ग्लूकोज का ब्रेक डाउन हो रहा है, एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल टूट रहा है और क्या कर रहा है, दो मॉलिक्यूल ऑफ पाइरूविक एसिड का फॉर्मेशन कर रहा है। और ये ग्लाइकोलिसिस का प्रोसेस होता किसके अंदर है, साइटोप्लाज्म में होता है। अभी जब हम एमसीक्यू सॉल्व करेंगे तो उसमें देखेंगे किस बेस पे किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। जैसे कभी कभी ये भी पूछा आता है कि ग्लूकोज का एक मॉलिक्यूल ब्रेक डाउन होता तो कितने मॉलिक्यूल पाइरूविक एसिड का बनाता, तो कितने बनाता है, दो बनाता है। और ये भी पूछा जाता है कि ग्लाइकोलिसिस का प्रोसेस होता किसमें, तो किसमें होता है, साइटोप्लाज्म में। अब क्या हो रहा है, ये जो पाइरूविक एसिड है आगे जाके क्रेब्स साइकिल में इंटर करता है, ये भी जो कि ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होता है। और क्रेब्स साइकिल होता किसके अंदर है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है, इसके बारे में हम क्लास 11th में डिस्कस करेंगे। फिर उसके बाद क्या हो रहा है, पाइरूविक एसिड से ये क्रेब्स साइकिल ये प्रोसेस हुआ, उसके बाद ये पाइरूविक एसिड से किसका फॉर्मेशन हो रहा है, बाय प्रोडक्ट, मीन्स प्रोडक्ट कौन कौन से बन रहे हैं, 6 मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, 6 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर एंड 38 एटीपी रिलीज हो रहा है। क्या क्या बन रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, और क्या हो रहा है, एनर्जी का फॉर्मेशन हो रहा है। कितने एटीपी बन रहे हैं, 38 एटीपी। अभी यहाँ पे देखो 38 एटीपी का फॉर्मेशन हो रहा है। अभी हम आगे देखेंगे कि एनएरोबिक रेस्पिरेशन में कितने एटीपी का फॉर्मेशन होता है, फिर हमें डिफ्रेंशिएशन पता चल जाएगा दोनों के बीच में कि एरोबिक और एनएरोबिक रेस्पिरेशन के बीच में कौन सा डिफरेंस होता है। क्या क्या बन रहा है, बाई प्रोडक्ट में 6 मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड 6 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर एंड 38 एटीपी रिलीज हो रहा है। यहाँ पे हो क्या रहा है, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट याद करने की ये बात है कि सिर्फ और सिर्फ एक ही ग्लूकोज का मॉलिक्यूल जो है वो 38 एटीपी प्रोड्यूस कर रहा है। क्या हो रहा है, वन ग्लूकोज मॉलिक्यूल कैन प्रोड्यूस 38 एटीपी। एक ही ग्लूकोज का मॉलिक्यूल ब्रेक डाउन हो रहा और 38 एटीपी का फॉर्मेशन हो रहा है। और ये एरोबिक रेस्पिरेशन होता किसमें, माइटोकॉन्ड्रिया में। किसमें होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में। एग्जाम्पल एरोबिक रेस्पिरेशन के, ह्यूमन बींग, डॉग्स, कैट, लॉयन, एलिफेंट, काउ, गोट, बर्ड्स एक्सेट्रा।
और भी बहुत सारे होते हैं जिनके अंदर क्या होता है, एरोबिक रेस्पिरेशन। इसमें होता क्या है, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ये रिएक्शन होती, एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल ब्रेक डाउन होता है और 38 एटीपी प्रोड्यूस करता है। नेक्स्ट इज एनारोबिक रेस्पिरेशन। द रेस्पिरेशन विदाउट ऑक्सीजन इज कॉल्ड एनारोबिक रेस्पिरेशन। ऐसा रेस्पिरेशन जो ऑक्सीजन की एब्सेंस में होता है उसे कहते हैं एनारोबिक रेस्पिरेशन, और ऐसा रेस्पिरेशन जो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होता है उसे क्या बोलते हैं, एरोबिक रेस्पिरेशन। अभी हमने एरोबिक रेस्पिरेशन के बारे में डिस्कस किया था, अब हम डिस्कस करेंगे एनारोबिक रेस्पिरेशन की जो कि ऑक्सीजन की एब्सेंस में होता है। देखते हैं रिएक्शन क्या होता है। रिएक्शन यहाँ तक तो बिल्कुल सेम होता है, वही चीज, ग्लूकोज का एक मॉलिक्यूल ब्रेक डाउन होता है और दो मॉलिक्यूल ऑफ पायरुविक एसिड का फॉर्मेशन होता है, करता है। उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, ग्लाइकोलाइसिस कहते हैं। जब ग्लूकोज का मॉलिक्यूल ब्रेक डाउन होता है और प्रोसेस होता है किसमें, साइटोप्लाज्म में। उसके बाद ये जो पायरुवेट है, मींस ये जो पायरुविक एसिड है, ये ऑक्सीजन की एब्सेंस में ईस्ट के अंदर ये प्रोसेस हो रहा है उसे क्या बोलते हैं, फर्मेंटेशन। और उसमें हमने पढ़ा था एरोबिक रेस्पिरेशन में तो उसे हम क्या बोलते हैं, क्रेब साइकिल। उसके बाद क्या है, उसके बाद फॉर्मेशन किसका हो रहा है, दो मॉलिक्यूल जो है पायरुविक एसिड का, वो क्या फॉर्म कर रहा है, टू मॉलिक्यूल ऑफ इथेनॉल। क्या बन रहा है, टू मॉलिक्यूल ऑफ इथेनॉल और टू मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड टू मॉलिक्यूल ऑफ एटीपी। क्या क्या बन रहा है, टू मॉलिक्यूल ऑफ इथेनॉल, टू मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड टू मॉलिक्यूल ऑफ एटीपी एनर्जी। कभी कभी इथेनॉल का फॉर्मूला भी पूछा जाता है, इथेनॉल का फॉर्मूला क्या होता है, C2H5 एंड OH, और कितने ATP बन रहे, 2 ATP का फॉर्मेशन हो रहा है। हमने कहा था अभी हम देखेंगे एरोबिक एनारोबिक रेस्पिरेशन में, हमें एक डिफरेंस पता चल गया, दो डिफरेंस। पहला डिफरेंस तो ऑक्सीजन की एब्सेंस प्रेजेंस में होना, दूसरा डिफरेंस ये है कि इसमें क्या होता है, एनारोबिक रेस्पिरेशन में ग्लूकोज का एक मॉलिक्यूल जब ब्रेक डाउन होता है तो वो सिर्फ और सिर्फ 2 ATP एनर्जी रिलीज होता है, जबकि एरोबिक रेस्पिरेशन में क्या होता है, ग्लूकोज का एक मॉलिक्यूल ब्रेक डाउन होता है और 38 ATP एनर्जी रिलीज करता है। यह हमें डिफरेंस पता चल गया। अब तीसरा डिफरेंस यह है कि एनारोबिक रेस्पिरेशन माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, जबकि एरोबिक रेस्पिरेशन किसमें होता है, साइटोप्लाज्म में। उसके बाद नेक्स्ट है कि ये एनारोबिक रेस्पिरेशन होता किसमें, नॉन ग्रीन प्लांट में, दैट इज ईस्ट। अब एनारोबिक रेस्पिरेशन ह्यूमन बींग में भी होता है, और अब देखते हैं कि ह्यूमन बींग के किस कंडीशन में या कौन से बॉडी पार्ट में जो है एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है। एनारोबिक रेस्पिरेशन किस तरीके से ह्यूमन बींग में होता है ये हम देखते हैं। एनारोबिक रेस्पिरेशन जो होता है वो किसमें होता है, मसल्स में होता है। सिर्फ और सिर्फ ह्यूमन बींग में ही नहीं होता है, कैट, लॉयन, टाइगर, ये सब भी जब बहुत ज़्यादा फिजिकल एक्सरसाइज कर लेते हैं उस कंडीशन में, जब हमारे ब्लड को ऑक्सीजन अमाउंट में नहीं मिल पाता है करेक्ट अमाउंट में, तो उस कंडीशन में क्या होता है, लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन होने लगता है। यही होता है एनारोबिक रेस्पिरेशन जो कि मसल टिश्यू में होता है। ड्यू टू द फिजिकल एक्सरसाइज व्हेन ऑक्सीजन गेट यूज टू फास्टर इन द मसल्स सेल देन कैन बी सप्लाइड बाई द ब्लड। जब हमारी मसल सेल होती हैं बहुत ही फास्ट क्या करती हैं, ऑक्सीजन की डिमांड करती, उस कंडीशन में क्या होता है, ऑक्सीजन जो होता है हमारी बॉडी में बहुत ही लेस जाता है, कम हो जाता है, जिसकी वजह से लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन होने लगता है। यहाँ तक प्रोसेस सेम है, वही चीज, ग्लूकोज का एक मॉलिक्यूल ब्रेक डाउन होगा, उस प्रोसेस कहते हैं ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस होता है साइटोप्लाज्म में, दो मॉलिक्यूल ऑफ पायरुविक एसिड का फॉर्मेशन करता है। उसके बाद इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की एब्सेंस में मसल टिश्यू के अंदर क्या होगा, उससे क्या होगा, ऑक्सीजन की एब्सेंस में प्रोसेस हो रहा है तो दो मॉलिक्यूल जो पायरुविक एसिड का वो क्या बनाएगा, टू मॉलिक्यूल ऑफ लैक्टिक एसिड प्लस टू मॉलिक्यूल ऑफ ATP एनर्जी रिलीज होगा। क्वेश्चन में ऐसे पूछा जाता है कि लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन कब होता है, कब होता है, किस में होता है। लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन जो होता है वो किस में होता है, मसल टिश्यू में होता है। और दो मॉलिक्यूल ऑफ लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन कब होता है, जब एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है, किसके अंदर, हमारी मसल टिश्यू के अंदर, जब प्रॉपर अमाउंट में ऑक्सीजन सप्लाई नहीं हो पाता हमारी बॉडी में। द एक्युमुलेशन ऑफ लैक्टिक एसिड इन द मसल्स कॉज द क्रैम्प। और जब बहुत ज्यादा मींस लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन हो रहा है, फिर उसके बाद लैक्टिक एसिड हमारी मसल्स में क्या हो रहा है, स्टोर हो जा रहा है, जिसकी वजह से जो है हमारे पैरों में बहुत ही ज्यादा पेन होता है। इसीलिए कभी बहुत ज्यादा एक्सरसाइज कर लो, बहुत ही ज्यादा, और बहुत ही रनिंग कर लो, उस कंडीशन में क्या होता है, हमारी जो ब्रीथिंग रेट होती है वो फास्ट हो जाती है। इसकी वजह से क्या होता है, ऑक्सीजन हमारी बॉडी को प्रॉपर अमाउंट में मिल नहीं पाता है, और धीरे 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 क्या होता है, लैक्टिक एसिड हमारे मसल्स टिश्यू में स्टोर होने लगता है, जिसकी वजह से हमारे मसल्स में क्या होता है, बहुत ज्यादा पेन होता है। एग्जांपल जैसे हो गया डॉग, लॉयन, टाइगर, कैट,
और भी बहुत सारे एनिमल्स होते हैं जिनके अंदर जो है क्या होता है, एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है इन देयर मसल्स टिश्यू। अब हम जितना हमने इस टॉपिक को क्लियर किया, अब इस टॉपिक के बेस पे हम कुछ एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। अब हम स्टार्ट करते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज जो हमने जितने भी टॉपिक हमने अभी क्लियर किए हैं, रेस्पिरेशन, एरोबिक रेस्पिरेशन, एनारोबिक रेस्पिरेशन, उसके बेस पे जितने भी एमसीक्यूज बन सकते हैं वो हम एमसीक्यूज सॉल्व करेंगे। सबसे पहले एमसीक्यूज है द ब्रेकडाउन ऑफ पाइरूवेट टू गिव कार्बन डाइऑक्साइड वाटर एनर्जी टेक प्लेस इन। इसमें क्या हो रहा है, ब्रेकडाउन हो रहा है, किसका ब्रेकडाउन हो रहा है, पाइरूवेट का। क्या क्या बन रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी। एमसीक्यू सॉल्व करने का सबसे बेस्ट ट्रिक ये है, पहले हम उस क्वेश्चन को पढ़े, क्वेश्चन पढ़ लिया अगर हमने, अगर क्वेश्चन तब भी पढ़ लिया नहीं समझ में आ रहा है, दोबारा से उस क्वेश्चन को पढ़ो, कहीं ना कहीं से अगर थोड़ा सा भी क्ल्यू अगर हमें मिल गया तो हम इजिली जो है उस एमसीक्यूज को सॉल्व कर सकते। पहले क्वेश्चन पढ़ना, हमें एमसीक्यूज के ऑप्शन नहीं देखने हैं। देखो हमने क्वेश्चन क्या पढ़ा, ब्रेकडाउन क्या बन रहा है, पाइरूवेट जो है ब्रेकडाउन हो रहा है, क्या क्या बना रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी। ये अभी हमने पढ़ा था इसके पहले, जब पाइरूवेट ब्रेकडाउन होता है कार्बन डाइऑक्साइड वाटर और एनर्जी का फॉर्मेशन करता है, तो ये क्या किस टाइप का है, ये है एरोबिक रेस्पिरेशन। मींस जो है एरोबिक रेस्पिरेशन में क्या होता है, पाइरूवेट ब्रेकडाउन होता है कार्बन डाइऑक्साइड वाटर और क्या करता है, एनर्जी का फॉर्मेशन करता है। अब ठीक है, अब हमें इतना पता चल गया कि जो है ये क्या है, एरोबिक रेस्पिरेशन है। हमें ये बताना है कि ये टेक प्लेस इन, ये प्रोसेस होता किसके अंदर है। अब हमें ये भी पता है कि ये होता किसमें है, माइटोकॉन्ड्रिया में। किसमें होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में। अब हम देख लेते हैं कि हमारे ऑप्शन में माइटोकॉन्ड्रिया है कि नहीं है, दिया है तो हम इस लिस्ट पे टिक करते। पहले क्वेश्चन पढ़ो, क्वेश्चन से उसका अर्थ क्या निकल रहा है उसे देखो, फिर ऑप्शन से कौन सा ऑप्शन उससे मैच कर रहा है उस तरीके से टिक करो, तो कोई भी एमसीक्यूज गलत नहीं होगा। फिर उसके बाद दूसरा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग एनारोबिक रेस्पिरेशन इन यूनिसेलुलर फंगस। हमें ये बताना है ऐसी कौन सी चीज है जो कि एनारोबिक रेस्पिरेशन में नहीं प्रोड्यूस होता, किसके अंदर, यूनिसेलुलर फंगस में। देखो इथेनॉल तो बनता ही है, ठीक है, और कार्बन डाइऑक्साइड का भी फॉर्मेशन होता है और एटीपी का भी फॉर्मेशन होता है। यहाँ पे पर्टिकुलर ईस्ट और यहाँ पे मसल्स की बात नहीं की गई है, यहाँ पे सिंपली दिखा गया एनारोबिक रेस्पिरेशन इन यूनिसेलर फंगस, यहाँ पे फंगस की बात की है। बट हमने ये तो नहीं पढ़ा था कहीं भी कि वाटर का फॉर्मेशन होता है, तो इसमें यही पूछा कि ऐसी कौन सी चीज है जो कि नहीं बनती है एनारोबिक रेस्पिरेशन, किसके अंदर, यूनिसेलर फंगस के अंदर। तुम्हारा करेक्ट आंसर कौन सा होगा, बी। देन नेक्स्ट है, वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म कैन लिव विदाउट ऑक्सीजन ऑफ एयर, दिस ऑर्गेनिज्म इज। इन चारों में से ऐसा कौन सा ऑर्गेनिज्म है जो कि ऑक्सीजन के बिना सरवाइव करता है। अमीबा जो होता है वो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में अपना रिएक्शन करता है, जो कुछ भी उसे करना होता है, याग भी करता है और लीज भी करता है। बट ईस्ट जो होता है ये इसके अंदर कैसा रेस्पिरेशन होता है, एनारोबिक रेस्पिरेशन, मीन्स विदाउट ऑक्सीजन, बिना ऑक्सीजन की प्रेजेंस में अपना सारा प्रोसेस करता है। तुम्हारा करेक्ट आंसर कौन सा होगा, सी। उसके बाद नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इंक्रीज इन मसल सेल व्हेन दे कैन लैकिंग इन ऑक्सीजन। ऐसी कौन सी चीज इन चारों में से है जो कि हमारी मसल सेल्स में बढ़ जाती है ऑक्सीजन की कमी से। ठीक है, अभी हमने पढ़ा जब ऑक्सीजन की कमी होती है, मीन्स ऑक्सीजन कम पड़ रहा है, तो किसका फॉर्मेशन होता है, लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन। ना तो कार्बन डाइऑक्साइड होगा, ना तो लैक्टोज होगा, ना तो यूरिक एसिड होगा, तो क्या होगा, लैक्टिक एसिड। इसलिए हमारा करेक्ट आंसर कौन सा होगा, सी, दैट इज लैक्टिक एसिड। देन नेक्स्ट एमसीक्यूज है, लैक ऑफ ऑक्सीजन इन मसल्स ऑफ्टन लीड टू क्रैम्प इन लेग ऑफ स्प्रिंटर, दिस इज ड्यू टू कन्वर्जन ऑफ पाइरूवेट इनटू। ऑक्सीजन की कब जब कमी हो जाती है हमारी मसल्स में, तब क्या होता है, बहुत ही तेज हमारे लेग्स में पेन होता है। इसका मतलब जो पाइरूवेट है वो किसमें कन्वर्ट होता है, पाइरूवेट किसमें कन्वर्ट होता है, लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट होता है। जब ऑक्सीजन नहीं मिल पाता है सही अमाउंट में हमारी मसल्स को, तब क्या होता है, जो पाइरूवेट है वो लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट होने लगता है। तो करेक्ट आंसर कौन सा होगा, डी, दैट इज लैक्टिक एसिड। नेक्स्ट इज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज द एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल इन बायोलॉजी। बायोलॉजी में एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल किसे कहते हैं, पहला ऑप्शन है DTP, दूसरा ऑप्शन है PDP और तीसरा है ATP और चौथा है DDT। जो है एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल किसे कहते हैं, ATP, और ATP होता क्या है, एडनोसिन ट्राईफॉस्फेट। क्यों, क्योंकि हमारी बॉडी में
जितनी भी एनर्जी मिलती है वो किसके फॉर्म में मिलता है, एटीपी के फॉर्म में। इसीलिए एटीपी को क्या बोलते हैं, एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। आज का लेक्चर यहीं तक, थैंक यू।